हेलो गाइस, तो मैंने मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है फ्रेंड्स। आज मैं पता है क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ रोटी पिज्ज़ा। तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं रोटी पिज्ज़ा कैसे बना रही हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने तवे पे रखा हुआ है, ये देखो मेरा रोटी पिज्ज़ा है और आज मैं यही बना रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था नाश्ते में, तो सात्विक गया है स्कूल, मैंने उसके लिए स्नैक्स में यही दिया था क्योंकि रोज़ रोज़ वो फ्रूट खा के बोर हो जाता है, तो उसके लिए बनाया था। तो मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन कर दिया था कि मैं भी आज रोटी पिज्ज़ा ही खाऊंगी। तो मैंने दो रोटी बची हुई थी मेरी, तो मैंने ये बना लिया। ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं इसमें, सॉस लगा दिया है पिज़्ज़ा वाला, और उसके बाद में मैंने प्याज और टमाटर थोड़े से डाले हैं जो मेरे पास वेजिटेबल थे, और मेरे पास गाजर पड़े हुए थे थोड़े से, तो वो मैंने क्रश करके डाले ताकि दिखे नहीं, क्योंकि हम तवे पे पका रहे हैं तो अच्छी तरीके से पकेगा नहीं। और चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो, और उसके बाद में मैंने ये डाल दिया है, इसमें चीज़ डाल के अच्छे से तवे पे एकदम स्लो फ्लेम पे कर दिया है। और ये देखो मेरा दूसरा रोटी पिज्ज़ा भी रेडी हो गया है, तो यहाँ पर रेडी हो गया। और इस तरीके से मैं ऐसा निकाल लूँगी, थोड़ी सी ये कड़क हो जाती है रोटी, तो और भी क्रंची लगती है और अच्छी भी लगती है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और एक साइड मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और अभी मेरा किचन का काम बहुत सारा बाकी है, मैं सब करूँगी। बच्चे और सब ऑफिस जाने वाले ऑफिस गए, और मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे भूख लग रही थी कि मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, तो मैंने आज ये वाला पानी पिया था जो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। और अभी मैंने शाम के लिए भी बना दिया, हम लोग दो टाइम पी रहे हैं अभी। थोड़ा सा इससे क्या है कि अच्छा रहता है, हमारे बॉडी में जो कुछ नहीं मिलता है वो मिल जाता है। फाइनली अभी आंटी आई थी, झाड़ू पोछा करके गई हैं, और मैं टीवी देखूंगी, थोड़ा सा भजन सुनूंगी और अपना नाश्ता करूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये रोटी पिज्ज़ा पसंद आया हो। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं छोटे से ब्लॉग में फिर से, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।